हो गया है मॉर्निंग जी का, और मॉर्निंग जी में आपको बताएंगे अब तक की ताजा तरीन खबरें पूरी डिटेल के साथ। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे तीसरी आग की, यानी सीसीटीवी की। आज के दौर में सीसीटीवी अपराधियों के दुश्मन बने हुए हैं। क्रिमिनल जुर्म करते तो निकल जाते हैं, लेकिन उनकी पूरी करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाती है। आज हम आपको इसी तीसरी आंख में रिकॉर्ड हुए कुछ जुर्म दिखाते हैं। सीसीटीवी ने जुर्म की दुनिया को बेनकाब कर दिया है। अब सबूत की तलाश नहीं, जुर्म की पूरी फिल्म ही सबके सामने आ जाती है। तीसरी आंख से अपराधी बच नहीं पाता। अपराधी की हर हरकत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाती है। सबसे पहले आप देखिए यूपी की तीर्थनगरी प्रयागराज में तीसरी आंख में दर्ज जुर्म की तस्वीर। यहां एक सर्राफा व्यापारी यानी एक ज्वेलर अपने स्कूटर पर जा रहा था। वो अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था। व्यापारी के पास एक बैग था जिसमें नकदी समेत जेवरात भी थे। ठीक उसी वक्त पीछे से तीन बदमाश बाइक में सवार होकर उसके स्कूटर के बगल में पहुंच गए। एक बदमाश ने चलते स्कूटर से ही व्यापारी को गर्दन से पकड़कर खींचकर गिरा दिया। व्यापारी स्कूटर समेत गिर जाता है, उसका बैग भी गिर जाता है। एक बदमाश बाइक पर बैठा रहता है, दूसरा बदमाश बैग उठाता है और तीसरा बदमाश तमंचे की बट से व्यापारी पर लगातार वार करता है। इसके बाद तीन बदमाश स्कूटर पर बैठकर फरार हो जाते हैं। यह घटना प्रयागराज के मीरापुर इलाके की है। जिस वक्त लूट की यह घटना हो रही थी, उस वक्त आसपास मौजूद कोई भी शख्स व्यापारी को बचाने के लिए आगे नहीं आया। अब आपको मध्य प्रदेश के इंदौर की वारदात दिखाते हैं। यहां मंगलवार की शाम सरेआम मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। राहुल नाथ नाम के व्यक्ति ने अंकित यादव की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक अंकित को राहुल ने घर से बुलाया, फिर उसे चौराहे पर बुलाकर उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किया। हत्या करने के बाद वो बड़े आराम से फरार हो गया। यहां भी किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। इंदौर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों में लंबे वक्त से रंजिश चली आ रही थी। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इनका आपसी विवाद काफी छोटी छोटी बातों को लेकर पहले से चल रहा था, और फाइनली जो दो तीन दिन पहले की घटना है जब रात में जो लोग कहीं बैठे हुए थे उस समय जो विवाद हुआ था, उसके बाद इनकी आपस में लड़ाई ज्यादा ठन गई थी। उसी को लेके राहुल नाथ ने यह घटना प्लान करी। अब आपको राजस्थान लेकर चलते हैं। यहाँ उदयपुर शहर में सीसीटीवी में रिकॉर्ड पॉकेटमारी की वारदात दिखाते हैं। उदयपुर की सब्जी मंडी में जेब कतरे सब्जी खरीदारों को निशाना बना रहे हैं। देखिए एक शख्स सब्जी खरीद रहा है, तभी वहां पर एक जेब कतरा आता है। वो चुपके से उस शख्स के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो बड़ी चालाकी से जेब से पर्स और मोबाइल निकालता है। कोई देख ना पाए इसलिए जेब कतरा अखबार से अपने हाथों को ढक लेता है ताकि किसी को पता न चले कि वो जेब से पर्स या मोबाइल निकाल रहा है। कुछ ही सेकंड में वो जेब से पर्स और मोबाइल फोन निकालकर बड़े आराम से वहां से निकल जाता है। मंडी के शोर शराबे में सब्जी खरीदने वाले को पता ही नहीं चलता कि उसकी जेब काट ली गई है। पुलिस जेब कतरे की तलाश कर रही है। अब आपको बिहार लिए चलते हैं। बिहार के सुपौल में चोरों ने भगवान को भी नहीं बख्शा। ज्वालामुखी मंदिर में दान पेटी ही उठा ले गए। दान पेटी को तोड़कर लाखों की चोरी को अंजाम दिया। शातिर चोर माता रानी के जेवर भी ले गए। मंदिर समिति के मुताबिक 5 साल से दान पेटी नहीं खुली थी, ऐसे में लाखों की चोरी होने का अनुमान है। चोर मंदिर की ग्रिल तोड़कर अंदर दाखिल हुए, दान पेटी को उठाकर मंदिर के बागीचे में ले गए जहां उन्होंने दान पेटी को तोड़कर चढ़ावे के लाखों रुपए उड़ा लिए। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वारदात की तस्वीर देखकर पुलिस पड़ताल कर रही। सीसीटीवी में रिकॉर्ड जुर्म की कुछ ही घटनाएं हमने आपको दिखाई है। ऐसी सैकड़ों वारदात रोज सीसीटीवी में दर्ज हो रही है। सीसीटीवी तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं। लगता है अपराधियों के दिलो दिमाग से पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो देखा आपने किस तरह से अब बदमाशों की करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है और यही कारण है कि पुलिस उनकी धरपकड़ भी आसानी से कर पाती है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। भदोही में महिला से रेप के मामले में बीजेपी विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि उनके भतीजों और बेटों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। यह है यूपी के भदोही से बीजेपी विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी। चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है, कैमरे से नजर मिलाई नहीं जा रही। वजह आरोप की गंभीरता भी हो सकती है और आरोप की सत्यता भी, क्योंकि बीजेपी विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी और उनके परिवार समेत 6 लोगों पर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज हुए हैं। वाराणसी की रहने वाली महिला ने कुछ दिन पहले पुलिस अधीक्षक से मिलकर शिकायत की थी कि 2017 में विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी के भतीजे संदीप त्रिपाठी ने उसको मुंबई से भदोही बुलाया और भदोही के एक होटल में कई दिन तक उसको रखा गया था। होटल में बीजेपी विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने उसके साथ रेप किया। एक महिला ने आरोप लगाया था कि मेरे साथ उनके जो विधायक जी हैं उनके भतीजे संदीप तिवारी ने शादी का झांसा दे करके मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। बाद में उन्होंने विधायक जी और उनके परिवार के बच्चों पर भी इसी बात का आरोप लगाया था। इसकी उन्होंने हमें तहरीर दी थी और उसी तहरीर के आधार पर हमने मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। महिला ने अपने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि 2014 में विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी के भतीजे संदीप त्रिपाठी से उसकी मुलाकात मुंबई जाते समय ट्रेन में हुई थी। ट्रेन में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों ने एक दूसरे के साथ मोबाइल नंबर बांट लिए। उसके बाद शादी का झांसा देकर विधायक के भतीजे संदीप ने कई साल तक उसका शारीरिक शोषण किया। महिला का आरोप है कि होटल में उसके साथ विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी और उनके परिवार के 6 लोगों ने रेप किया। महिला की शिकायत पर भदोही कोतवाली में 376D, 313, 504 और 506 IPC की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी एक टीम बना दी है जो मामले की विवेचना कर रही है। हाँ, मुकदमा तहरीर में जितने लोगों के नाम था सभी के नाम तहरीर में और मुकदमा सभी के नाम पंजीकृत है। विधायक समेत परिवार के 6 लोगों पर मुकदमा तो दर्ज हो चुका है, लेकिन सवाल अब पुलिस या जांच पर है कि कैसे पुलिस पूरी निष्पक्षता के साथ इस मामले में कार्रवाई को अंजाम देती है, ताकि अगर पीड़ित महिला के आरोप सही हैं तो उसे इंसाफ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात शाहीन बाग की हो या फिर जिक्र CAA के खिलाफ यूपी में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों का, CM योगी के बयान उन्हें विवादों में ले जा रहे हैं। ताजा बयान यूपी की विधानसभा में दिया गया जिसके बाद फिर से हंगामा खड़ा हो गया। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। हिंसा के दौरान मारे गए लोगों पर योगी ने कहा, अगर कोई मरने के लिए आ ही रहा है तो वो जिंदा कहां से हो जाएगा। CAA के विरोध में दिसंबर में राज्य भर में प्रदर्शन हुए थे, इस दौरान कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई। यूपी सरकार ने कहा था कि CAA के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों में 22 लोगों की मौत हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस की गोली से कोई नहीं मारा गया, मरने वाले सभी उपद्रवियों की गोली से मारे गए। अगर कोई मरने के लिए आ ही रहा है तो जिंदा कहां से हो जाएगा। लेकिन पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा, जो मरे हैं उपद्रवी उपद्रवियों की ही गोली से मरे हैं। CM ने CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर भी निशाना साधा। गौरतलब हो कि CAA को लेकर यूपी में लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज में लगातार प्रदर्शन जारी है, जिसको लेकर CM योगी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को मारने के लिए निकला है और वो पुलिस की चपेट में आता है, ऐसे में या तो पुलिसकर्मी मरे या फिर वो मरे। अगर कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को मारने के लिए निकला है अवैध असला लेकर के, पुलिस की चपेट में आता है, तो भैया तो पुलिस का कर्मी मरे या फिर वो मरे, दोनों में से किसी को तो मरना होना। इससे पहले CM योगी ने शाहीन बाग को लेकर भी कहा था कि यहाँ जो गोली से नहीं मानेंगे वो गोली से मानेंगे। गोली से नहीं मानेगा तो गोली से तो मानी जाएगा। बयानों की बात की जाए तो फिलहाल CM योगी मौत, बंदूक, गोली, इन सब से नीचे बात नहीं कर रहे। मामला चाहे दिल्ली के शाहीन बाग का हो या फिर यूपी में CAA के खिलाफ अलग अलग जगह हो रहे प्रदर्शनों का। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजपथ पर लगाए गए हुनर हाट पहुंचे। पीएम मोदी ने कई कलाकारों के साथ मुलाकात की और साथ ही वहां पर उन्होंने लिट्टी चोखा खाया और कुल्लड़ में चाय भी पी। हुनर हाट का आयोजन अल्पसंख्यक मंत्रालय कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक के बाद अचानक से हुनर हाट पहुंचकर सबको हैरान कर दिया। हुनर हाट में मोदी की सरप्राइज विजिट। पीएम मोदी ने लिया लिट्टी चोखा का स्वाद। दिल्ली के जनपथ में चल रहे हुनर हाट मेले में उस वक्त अचानक गहमा गहमी बढ़ गई जब लोगों को पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच गए। पीएम मोदी करीब 50 मिनट तक यहां पर रहे और लिट्टी चोखे का लुत्फ भी उठाया। आपको याद नहीं आएगा कि आपने पीएम मोदी को यूं बैठकर किसी व्यंजन का स्वाद लेते हुए कब देखा था। लिट्टी चोखा खाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 120 रुपए का भुगतान भी किया। लिट्टी चोखा बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में बेहद लोकप्रिय है। जिस स्टॉल पर पीएम मोदी ने रुककर लिट्टी चोखा खाया वो पटना के रहने वाले रंजन राज का स्टॉल है। उनके हाथों का जादू यहां आने वाले लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। सबसे ज्यादा भीड़ बटोर रहे इस स्टॉल में 32 तरह के स्वास्थ्यवर्धक चीजों को मिलाकर बनाया जा रहा है ये लिट्टी चोखा। में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे तो मैंने उनको भी लिट्टी चोखा खिलाया और उनको अपनी बातें बताई, उनको लिट्टी चोखा के बारे में बताया। तो उन्होंने हमसे बात की और उन्होंने भी बताया कि लिट्टी चोखा वाकई में बहुत टेस्टी है और उन्होंने बताया कि मैं पटना भी गया था, मैंने पटना में भी अपना ये किया था। तो लिट्टी चोखा उन्होंने खाया और तारीफ करके गई है। प्रधानमंत्री से मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या बोले आपको? मेरी जिंदगी से पहली बार मैंने एक प्रधानमंत्री से मुसाफा हाथ मिलाया, बहुत खुशी हुई मुझको। लिट्टी चोखा खाने के बाद पीएम मोदी ने रुककर कुछ पेंटिंग्स को भी देखा। एक महिला ने भारत के मानचित्र की पेंटिंग बनाई थी। पीएम मोदी ने पेंटिंग की तारीफ। पीएम मोदी ने यहाँ एक दिव्यांग महिला से भी बातचीत की, उनकी बनाई पेंटिंग की तारीफ भी की। कहाँ ट्रेनिंग हुई आपकी? मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की और मैंने सीखा नहीं है कहीं से कुछ भी। और मैंने जब शुरू किया था तो 100 रुपए से शुरू किया था सर। सर मैंने कितना बेचती हो? सर मैंने घर खरीदी। पीएम मोदी ने हर स्टॉल का जायजा लिया। एक स्टॉल में तांबे की बनी घंटियां और वाद्य यंत्र दिखाई दिया। पीएम मोदी ने कॉपर बेल पर भी हाथ आजमाया। एक कारीगर ने पीएम मोदी को पीतल की बनी तोप भी दिखाई। हुनर हाट में पीएम मोदी को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। कई लोगों ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली। हुनर हाट में गया की मशहूर मिठाई मावे का अनरसा, पटना की चंद्रकला मिठाई और होली स्पेशल मालपुआ भी मिल रहा है। सत्तू का पराठा, मकुनी और नालंदा का खाजा भी। हुनर हाट में हुनर दिखाने वालों की कमी नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं कि बिजली की तारों को पिघलाकर रंग बनाया जा सकता है और फिर उनसे पेंटिंग भी की जा सकती है? दिल्ली के इंडिया गेट में चल रहे हुनर हाट में बिना पेंट की पेंटिंग भी बनाई जा रही है। राजस्थान और केरल यानी देश के हर राज्य का जायका, हैंडीक्राफ्ट और कपड़े सब मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तानी अपने बच्चों को चीन से वापस लाने की गुहार लगाते लगाते थक गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर कोई असर नहीं पड़ा। तो दूसरी तरफ भारत तीसरी बार अपने विमान को चीन के लिए रवाना करने के लिए तैयार है। वापस करो, वापस करो, वापस जाओ, वापस जाओ। यह है पाकिस्तान का स्याह सच। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में खौफ है, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम को अपने देश के बच्चों की कोई चिंता नहीं। भारत वुहान से अपने हर नागरिक की एक आवाज पर पहले ही दो विमान भेजकर अपने हर नागरिक को मौत के मुंह से निकाल चुका है और फिर एक बार चीन में अपना ग्लोब मास्टर भेज रही सही कसर भी पूरी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में माँ बाप के दिए पैसों के बावजूद इमरान खान अपने देश के बच्चों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। इस बात का डिसीजन नहीं ले सकता कि PIA की फ्लाइट उठाए, अपने बच्चों को इवैक्यूएट करे और उनको वहां पे लाए, क्वारंटीन पीरियड पूरा करे, वहां पे कर ले या यहां पे कर ले।
उसका जितना एक्सपेंस है पेरेंट्स पे करने के लिए तैयार हैं। आपने खुद देखा अपनी आंखों से लोगों का क्या हाल है, पेरेंट्स का क्या हाल है, लोगों को खशें पड़ रही हैं। पाकिस्तान के मंत्रियों पर भी जनता को अब विश्वास नहीं रहा और ये भी सरेआम नजर आ रहा है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि कल हमारी वफाकी काबीना की मीटिंग है और आपके जज्बात, आपकी ख्वाहिशात, आपकी बातें, आपकी फिक्र सब समझ में आ गई है। मैं और जुल्फी साहब कल हम काबीना में ये बात डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो भी मुत्तफिका तौर पे फैसला होगा वो आप तक पहुँचा दिया जाएगा। कुल मिलाकर जिस तरफ पाक पीएम इमरान खान का ध्यान होना चाहिए था उस तरफ तो नजर नहीं आ रहा और इसीलिए सड़क से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय तक हंगामा बरपा हुआ है। लेकिन इमरान है कि ड्राइवरी करने में मस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी, लेटेस्ट अपडेट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।